ये पता नहीं, पटना जम्मू तवी अर्चना एक्सप्रेस यहाँ काकोरी में रोक दी है ट्रेन और काफी देर से खड़ी है। क्या दिक्कत है यार, बिल्कुल टाइम पे आ गई ट्रेन, आ जा जल्दी से। तो भाई हमारा स्टॉपेज आ गया है श्रृंगार नगर, ये पहुंच गए भाई। चलो एंट्री करते हैं अंदर अपोलो में। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। भाई अभी हम जा रहे हैं थोड़ा काम से लखनऊ, और काम क्या है मैं आपको बाद में बता दूंगा। फिलहाल आप ट्रेवलिंग मेरी एंजॉय करिए, व्लॉग मेरा एंजॉय करिए। और मेरे साथ हैं पिंजी चार आँखों वाली और अस्मित दो आँखों वाले। तो चलते हैं फटाक से, पहले टिकट लेते हैं और टाइम हो रहा है यहाँ पे 8:35। ये हमारा प्यारा हरदोई रेलवे स्टेशन आ चुका है भाई, यहाँ पे आ जाइए। तो टिकट के लिए तो भीड़ तो है नहीं यहाँ पे, आराम से मिल जाएगा बाहर से, यहाँ काउंटर जो लगा होता है। तो भाई भीड़ तो काफ़ी तगड़ी है। टिकट भाई आज ही 50 रुपये का एक लोगों का है हरदोई से लखनऊ का। क्या वो हमें लोगों उधर चलना है, इधर चलना, इसी पे आएगी, एक नंबर पे आएगी भाई लखनऊ की। लाल भाई हम लोग जा रहे हैं अपोलो मेडिक्स। पिंजी की तबीयत तो ठीक नहीं रहती है ना, इस चक्कर में थोड़ा इनको दिखाना है, इनकी दवा चल रही है, रिपोर्ट वगैरह सारी इनके झोले में पड़ी है। तो देखते हैं क्या बताते हैं फिलहाल इसके बारे में। और ये त्रिवेणी जा रही है भाई एक्सप्रेस, अभी लखनऊ से आई थी। बाकी भाई डेवलपमेंट तो हो रहा है यहाँ पे, देखते हैं सामने यहाँ पे कच्छ वगैरह कुछ रूम वगैरह इस टाइप बन रहे हैं, आगे भी यहाँ पे बन रहे हैं और इधर साइड में भी बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं उधर आगे बन रहे हैं। ये पता नहीं पटना जम्मू तो अभी ये अर्चना एक्सप्रेस है भाई, इसका स्टॉपेज हरदोई में है नहीं, ये सीधे लखनऊ में रुकेगी जाके। भीड़ बढ़ रही है दोस्तों, मतलब ट्रेन आ रही है, आप समझ सकते हैं पूरे क्लियरली। फाइनली हमको सीट मिल चुकी है, ये देखो भाई अपना हरदोई छूटता हुआ पीछे की तरफ। ये देखो थोड़ा फोकस ही हो जाता है, बट बढ़िया क्वालिटी आती है मेरे फ़ोन में इस तरीके से। भाई अभी बालामाऊ में खड़ी है ट्रेन यहाँ पे, और मतलब काफ़ी देर से खड़ी है, हम तो मस्त गाने वाने सुन रहे हैं। और टाइम हो गया है 9:40। तो अभी भाई यहाँ काकोरी में रोक दी है ट्रेन और काफ़ी देर से खड़ी है, सारे पैसेंजर्स ट्रेन से बाहर आ चुके हैं, सामने आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से। और ये सामने है काकोरी स्टेशन, और मौसम भाई ऐसा है ना, बहुत गर्मी हो रही है। देखो अभी मतलब काफ़ी देर से यहाँ पर ट्रेन खड़ी है, काफ़ी हरियाली वाला एरिया है, सांप कीड़े होंगे यहाँ पर। और टाइम हो गया यहाँ पर भाई 10:30, मतलब काफ़ी लेट होते चली आ रही है ट्रेन। फाइनली भाई हम लोग आ गए हैं लखनऊ में, ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे अभी मालगाड़ी वगैरह खड़ी हैं, पता नहीं कौन सा प्लेटफॉर्म है। पहुँच गए हैं भाई, तो फाइनली ये है लखनऊ का चारबाग रेलवे स्टेशन। काफ़ी क्राउड आपको दिख रहा होगा यहाँ चारों तरफ से। इस ट्रेन से मैं आया हूँ धनबाद फिरोजपुर किसान एक्सप्रेस से, बहुत ही लेट इसने कर दिया, मतलब काफ़ी देर खड़ी रही रास्ते में, काकोरी में, मलियाबाद में, हर जगह रुकी, आलमनगर में भी रुकी, मतलब इतना स्टॉपेज लेती हुई है कि क्या ही बताएं इसके बारे में। फिलहाल ये है प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर, और अभी यहाँ से मुझे इधर के लिए एग्जिट मारना है यहाँ से। तो भाई यहाँ पे मैं आपको इन्फॉर्मेशन के तौर पर एक बात बताना चाहता हूँ कि जो अपना चारबाग रेलवे स्टेशन लखनऊ वाला है ना, ये सबसे क्राउडेड स्टेशन है, मतलब सबसे भीड़ भाड़ वाला स्टेशन है पूरे उत्तर प्रदेश में। मतलब यहाँ पूरे स्टेट से और स्टेट के बाहर से बहुत सारे लोग आते हैं, सामने नज़ारा आप देख सकते हैं, यहाँ पर लोग ऐसे लेटे बैठे रहते हैं, मतलब इनके पास कहीं मतलब रहने की। इनसे बाहर आ गए हैं भाई, और उधर साइड में वंदे भारत ट्रेन खड़ी थी, हमने अभी देखी आज, मतलब पहली बार देखी मैंने, तो बट मैं उसको सूट नहीं कर पाया क्योंकि ट्रेन चल रही थी ना इसीलिए। ये सामने है मेट्रो स्टेशन यहाँ पे, भाई हम लोग ना नहरिया जाएंगे और मेट्रो से जाएंगे। कितनी खुश हो रही, पहली बार आई क्या? अच्छा कितनी गाड़ियाँ खड़ी भाई देखना यहाँ पे, भाई ये बता रही है मैं पहली बार बैठूंगी मेट्रो पे, वाह भाई वाह, कमांडो खड़े हैं। ये लो भाई पैसे आ गए, अच्छा टूटे भी देता है पूरे 60 रुपये, मतलब 20 रुपये का किराया है चार बाग से नहरिया तक का। आ गए तीसरी। ये टोकन है, टिकट है ये। फिलहाल यहाँ पे अपना बैग चेक कराते हैं, इसमें बहुत कुछ पड़ा है। यहाँ पे भाई टोकन टेस्ट करना पड़ेगा, वो मेरा है भाई। क्या है, क्या दिक्कत है यार, तुम हमारे से निकल आई भाई। बड़ी मुश्किल में वहाँ से एंट्री कर पाया, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही थी,
भाई यहाँ पे भाई बुक वाली सेल पूरी लगी हुई है, इतनी भयंकर तरीके से बेचते हैं आपका दुनिया भाई। ये देखो कितना बड़ा स्ट्रक्चर है इसका, यहाँ से स्टेशन पूरी दिखती है, बट ये शीशे सब गंदे हैं ना तो सही से दिख नहीं रही। ये फाइनली आ गए हम ऊपर साइड में, ये बिल्कुल टाइम पे आ गई ट्रेन, आ जा जल्दी से, बिल्कुल टाइम पे आ गई भाई। चलो एंट्री करते हैं इसके अंदर। तो भाई हमारा स्टॉपेज आ गया है श्रृंगार नगर, यही नहरिया है, अब चलते हैं, गेट खुलने वाला है। ओके, फिर से गर्मी लगेगी अब तगड़ी वाली। अब यहाँ से पकड़ेंगे ऑटो अपोलो मेडिक्स के लिए। फिलहाल अपोलो मेडिक्स यहाँ सामने दिखता है, वो सामने आपको दिख रहा होगा, वो सामने वाला अपोलो मेडिक्स है, उसमें देखो कैसे खड़ा है। तो अब यहाँ यानी नहरिया से हमको ऑटो करना पड़ेगा अपोलो मेडिक्स के लिए, तो चलते हैं सीधे, आपसे वहीं मिलते हैं ऑटो में बैठ के। पहुँच गए भाई, चलो एंट्री करते हैं अंदर अपोलो में। हेलो गाइस, तो यार वहाँ के बाद ना हमने काफ़ी वीडियो शूट किया था अंदर भी, और काफ़ी कुछ हमने दिखाया भी था, काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियो थे, बट वहाँ में ना एक स्टाफ मेंबर ने हमारे शूट करते हुए वीडियो देख लिया एंड फिर हो गया थोड़ा सा लफड़ा वहाँ पे। उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पे अलाउ नहीं है, ये वो है, कैसे वीडियो बना रहे हो, परमिशन ली कि नहीं ली, हमारा अंग्रेजी हमसे बोल रहे थे। फिर वो हमको ले गए वहाँ के सिक्योरिटी मैनेजर के पास। उसके बाद भाई क्या हुआ कि वो मतलब काफ़ी अच्छे थे, मतलब काफ़ी चीज़ों को समझने वाले थे, तो उन्होंने कहा भाई कोई बात नहीं, लेकिन परमिशन ले लिया करो और अगली बार आओ, बनाते हैं वीडियो और संडे को आना और थोड़ा सा यहाँ पे शूट करना। इस तरीके से उन्होंने बताया कि मतलब उन्होंने काफ़ी अच्छे से उनको समझाया कि ऐसे मतलब मत बनाओ, हमसे परमिशन ले लो, बना लो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सीन था भाई, जो कि हमने क्लिप बनाई थी अपोलो के अंदर वाली, वो फिलहाल सभी डिलीट हो चुकी हैं, क्योंकि वहाँ पर सिक्योरिटी पर्पज़ के तौर पर जो भी होना था वहाँ पर हो चुका है काम वाला। तो ये सीन था भाई, इसीलिए आप ये वाले डायरेक्ट क्लिप देख रहे हैं बाहर वाले क्लिप के बाद से। तो फिलहाल ये अगले दिन का टाइम है सुबह सुबह का, अभी मैं सहरसा गया हूँ लखनऊ में एंड यहीं पे स्टे किया था रात में। अस्मित तो चला गया था, उसकी 10 बजे तक ट्रेन आ गई थी तो चला गया था वो। फिलहाल अभी मैं यहीं पर हूँ और अभी थोड़ी देर में मैं भी निकल रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि त्रिवेणी आने वाली है चारबाग में, तो उसका टाइम है 8:05 का। तो भाई ये ना आपको बताना था, और रही बात पिंजी की, पिंजी का इलाज वगैरह चल रहा है वहाँ पर, तो अभी ना कुछ और उन्होंने जाँचें वगैरह लिखी है, सर्जरी वगैरह होगी, मतलब काफ़ी लफड़ा है उसमें, तो दिखाएंगे आपको अगर वहाँ जाएंगे, और अच्छे से अगली बार शूट करेंगे अपोलो का अंदर का वीडियो पूरा विथ परमिशन, जिसमें कोई हमको टोक ना पाए, हम फ्रीली पूरा व्लॉग बनाएंगे, मज़ा आएगी फिर। और भाई जो वहाँ के सिक्योरिटी मैनेजर थे, इनके पास हमको ले जाया गया, वो खुद एक ब्लॉगर थे भाई, यूट्यूबर थे, तो मतलब काफ़ी फ्रेंडशिप वाला माहौल बन गया था वहाँ पे। हमें लगा कोई ज़्यादा लफड़ा हो जाएगा, बट उन्होंने चीज़ों को बड़े अच्छे से हैंडल कर लिया, तो मतलब काफ़ी अच्छा लगा वहाँ पे, काफ़ी समझदार थे वो। तो यही रीज़न है भाई कि आप डायरेक्ट ये वाली क्लिप देख रहे हो हमारी, और अभी सुबह के 6:50 हो रहा है, 7:00 बजे। तो यार ख़त्म करते हैं आज के इस ब्लॉग को, फिर एडिट भी करना है, आज ही आपको दे देते हैं एडिट करके इसको, और मिलते हैं आप लोग से अगले ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। अभी मैं जा रहा हूँ हरदोई, उसका भी बनाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। ये देखो भाई एरोप्लेन जाता हुआ सामने, यहाँ से ना बिल्कुल पास में निकला करते हैं, फोकस में थोड़ी देर में होता है, ये देखो इस तरीके से।